ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पीजी कॉलेज में एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि एसएफआई पिछले 5 वर्षों से छात्रहितों को लेकर अपनी मांगे प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन के समक्ष रख रही है, लेकिन उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है। यहां तक कि अध्यापक भी एबीवीपी के साथ मिलकर छात्र राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसे कि वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोलन के पीजी कॉलेज में एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एसएफआई पिछले 5 वर्षों से छात्र हितों को लेकर अपनी मांगे प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन के समक्ष रख रही है, लेकिन उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है। यहां तक कि अध्यापक भी एबीवीपी के साथ मिलकर छात्र राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, जो सरासर गलत है, जिसे वे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एसएफआई के सचिव राहुल ने रोष जताते हुए कहा कि उनका संगठन पिछले कई वर्षों से एससीए चुनावों की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पानी की भारी कमी है। कॉलेज को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला पथ कच्चा पड़ा है, उस पर टायरिंग नहीं की जा रही है। विद्यार्थियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। एसएफआई कार्यकर्ताओं को पिछले 5 वर्षों से निष्कासित किया है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को 5 दिन में ही नियमों को दरकिनार कर बहाल किया गया है, जो सरासर गलत है। सोलन के अंदर भी ये धरना प्रदर्शन हुआ। जो ये धरना प्रदर्शन हमने किया यहाँ पर, उसके माध्यम से जो पिछले कई समय से हमारी 5 साल से लेकर डिमांड चलती आ रही है कि एससी चुनाव, उसके बाद जो कॉलेज के अंदर बसेस लगनी चाहिए, उसके अलावा जो स्टेट से डिमांड करे कि हम बसेस की सुविधा दी जाए। 5 साल से लेकर जिसका निष्कासन हुआ है, उनका निष्कासन अभी तक वापस नहीं किया गया है। जबकि पिछले समय के अंदर एचपीयू के अंदर जो अभी 5-6 दिनों के अंदर 10 लोगों का निष्कासन होता है, एबीपी के लोगों का, वो 5 दिन के अंदर वापस लिया जाता है। वो भी किस दिन लिया जाता है, जिससे ना तो कोई कॉलेज चलता है ना फिर यूनिवर्सिटी चलती है। संडे के दिन उनका निष्कासन वापस लिया जाता है, जो कि पूरे तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर भगवाकरण चल रहा है। एसएफआई डिमांड करती है जो 5 साल से लेकर हमारे जो साथी है उनका निष्कासन वापस लिया जाए, और जो कॉलेज के अंदर भगवाकरण चल रहा है, जो टीचर पूरा सपोर्ट कर रही है एबीपी को, अगर वो नहीं रुका तो एसएफआई इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। और इसके अलावा जो एससी चुनाव है वो भी बहाल होने चाहिए, और स्टेट के अंदर जो बसेस की डिमांड है वो भी लगनी चाहिए, और इसके अलावा जो अदर डिमांड्स है हमारी कॉलेज की, जो हम डिमांड्स कर रहे हैं कि निचले गेट से उपले गेट तक रोल मेटल होनी चाहिए। जो 3-4 सालों से यहाँ पर अध्यापकों के रिक्त पद है, 3-4 सालों से ईवीएस का पद जो खाली पड़ा है, यहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है। अगर हम नीचे वोकेशनल में देखें, बी वॉक में देखें, वहाँ पर डिमांड करिए एसएफआई कि कंप्यूटर, उसके अलावा प्रोजेक्टर लगाए जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।